के नूर है महात्मा के दिल का चेहर। देखिए ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं, ये है आशिक रसूल, ये है मोहब्बत रसूल। ये दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आशिक रसूल हैं। इनको देखिए जरा, इन बच्चों को ट्रेनिंग किसने दिया? इनके उलमा ने, इनके बाबे ने। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, मेरे नाम पर जुलूस निकालो, मेरे नाम पर रैलियां निकालो और इस तरीके से नारेबाजी करो? देवबंदी मुर्दाबाद, वहाबी आतंकवाद, देवबंदी सूवर, वहाबी सूवर, नऊज़ु बिल्लाह। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही है? या आपका अखलाक, आपका कैरेक्टर यही था कि जिसकी वजह से इस्लाम फैला? इनको सिखलाने वाले इनके उलमा है, इनको नफरत दिलाने वाले इनके उलमा है। अहले हदीस की मस्जिद मत जाओ, इनके उलमा है। अहले हदीस की तकरीर मत सुनो, देवबंदी की तकरीर मत सुनो, इनके उलमा है। इनसे नफरत करो, इनको आतंकवाद समझो, इनको अपना दुश्मन समझो, ये कौन है? ये बरेलवी के उलमा है। क्या इस तरीके से दीन की तुम तबलीग कर रहे हो? क्या ये है वो दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था? क्या ये वो दीन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम दे करके गए? तौबा करो बरेलवियों के उलमा, अपने पेट को भरने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए अहले हदीस उलमा से नफरत ना दिलाओ। अहले हदीस उलमा से तुम्हें चिड़ क्यों है? इसलिए कि ये कुरान और सुन्नत को लेकर के चलते हैं और कुरान और अहदीस की तालीमात को फैलाते हैं, और तुम तो अपने बाबे के पीछे चल रहे हो। तुम्हारे बाबे जो बोले वो सुनना है तुम्हें। ये सब सिर्फ नाम लेवा जो है आशिक रसूल है। ये दावा तो करते हैं कि हम मोहब्बत रसूल हैं, ये दावा तो करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ जुबान से इजहार करते हैं। जिस तरीके से मुनाफिकीन जुबान से इजहार करते थे कि हम भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम भी रसूल को मानते हैं, वो भी ये सिर्फ जुबान से इजहार करते हैं। जब अमल की बारी आती है तो ये पीठ फेर कर भाग जाते हैं और अपने बाबे के पीछे चलते हैं। अल्लाह की कसम, ये लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दुश्मनी फैला रहे हैं। नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन काम ये शयातीन का करते हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं कि ये कुरान को नहीं मानते, ये हदीस रसूल को नहीं मानते, ये कुरान और अहदीस रसूल से बढ़कर के अपने बाबे को मानते हैं। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अलैहि सलातो वस्सलाम के सामने उमर फारूक रजी अल्लाह अन तौरात के औराक को पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए और कहने लगे, उमर अगर मूसा भी जिंदा होकर के आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? नबी हैं, रसूल हैं। आप पर तौरात नाजिल हुई थी, बावजूद इसके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर अगर तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो ज़रा ये बताइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं चल सकती, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं चल सकती, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं चल सकती, तो मुझे बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी इमाम की अंधी तकलीद चल सकती? नहीं चल सकती। ये खुद कुरान से दूर हैं और ये अपने अवाम और अपनी पब्लिक को कहते हैं कि तुम्हारी बस की बात नहीं है कि कुरान को समझना, जबकि कुरान में चार मरतबा सूरह कमर के अंदर वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिन आया हुआ है कि हमने कुरान को इजी नाजिल किया, आसान नाजिल किया, बस कोई है जो नसीहत पकड़े, इबरत हासिल करे? कुरान तो यहाँ चीख चीख करके कहता है कि हमने कुरान को इजी नाजिल किया, और ये कहते हैं कि 15 उलूम 18 उलूम कुरान को समझने के लिए चाहिए। इन उलमा को जो ये बयान करते हैं इनको खुद नहीं मालूम है 15 उलूम 16 उलूम। और जिस तरीके से ये मीलाद साबित करते हैं, कुरान करीम की आयात के अंदर चोरी, कहीं भी जिक्र नहीं है उसको वहाँ से वहाँ टच कर देना, तर्जमा तो करते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का लेकिन तशरीह खुद कर रहे हैं, और वहाँ पे फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगते हैं, सुभान अल्लाह कुछ भी बोले सुभान अल्लाह। अंधी तकलीद मत करो, अंधी तकलीद तुम्हें ले डूबेगी।